अखिल भारत प्रगतिशील रैत संघ राष्ट्र कमिटी मेरे को पदे इरव रेडव तारीख वरकू राष्ट्र व्याप्त मंडल के निजा जिला जेडी आफीस मुझे रैत समस्या पिष्क आंदोलन कार्यक्रम जी प्रधानमंत्री खरीफ सीजन कौल रो सह रही उचित इतना पुर्ग मंदू सरफर चेयर अदे विधा कौल रूड सर हक पत्री वाल रूर्ति डिमेंड तो यह कार्यक्रम निर्वहितबो मुख्य स्वामीनाथन कमीशन सिफारस प्रकार पट पड़ी खर्च मेरे कहीं सगन धर निर्णय का केन्द्र में उठी बीजेपी प्रभुत् अति तक पर्सेंट तो धरती आंच धरल तो रईता रिटर्न मुझुत मोहन वर्ष नष्ट रैतक एकरा पद वे प्रभुत्म इपड़क पद पैसल आ पद वे सरपोटी कहींसम एकरा याबाई वेल वाणिज्य पंत लक्ष रूपये डिमेंड लक्ष रूपये रुणा ऐककाल माफी इतमान इप्ड वरकू रुणमाफी जरगले वुणमाफी लक्ष रूपये वरक तक रुणमाफी चेसी क्रोत रुण बड्डी लेकिन डाक द्वारा इप्चाल मैं डिमेंड समग्रम पट बीमा पथका प्रारंभ गत रईता निरुदोपड़ी की नष्टर काबटी संवस पट बीमा पथका प्रारंभि डिमेंड पोड़ सागर की हक पत्री वाल रईत बंधु अमल मैं डिमेंड अखिल भारत प्रगतिशील रैत संघ राष्ट्र कार्यवर्ग नागव तारीख हैदराबाद सदेव तारीख नीचे इरव रेडव तारीख वरक राष्ट्र व्याप्त रईता समस्या उद्यमी पीछे अंदर भाग निजाबाद जिला कार्यवर्ग सवेश राष्ट्र कमिटी पीप निजाबाद जिला मंडल के आंदोलन अदे विधा इरव रेडव तारीख ना जेडीए आफीस मुझे धर्ना चेसी समस्या पिष्क डिमेंड मुख्य खरीफ सीजन रहा विना पुर्गमंदु उचित सरफर चेयर प्रधान मैं डिमेंड मोहन खरीफ जगह रबी जगह पट नष्टा संबंधी इप्ड वरकू नष्ट पड़ेबी पद वे ये मूल सो अंदम कम पटक एकरा याब अद व्यापार पटक एकरा लक्ष रूपये प्रभुत् नष्टरहार मैं डिमेंड अदे विधा गत मूड़ संवसाली रईत बीमा मत रेस राष्ट्र प्रभुत्म रईता मुझे काबट्टी वसमें रईत बीमा पट बीमा पथका प्रारंभि रईत संघ का मैं डिमेंड अदे विधा नकली विना अब व्यापारस्ल कठिन चर्यल अदे विधा ओडू साधार गुना लक्ष एकर हक पत्रा केसीआर गोजु नागरिके अभी इरव नागो तारीख ना लक्ष मंदे अभी गिरीजन के प्रकटन चशार इधायटी काबटे गतम पदको लक्ष एकरा अभी गिरीजन का पेद बीसी यानी दलित एवरना अगर व्यवसाय वाली पटाने डिमेंड अदे विधा कौल रैत कौल हक अ
వాళ్ళకు కూడా బ్యాంకులలో రుణాలు ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని, మీరు ఇచ్చిన లక్ష రూపాయల రుణం ఇప్పటి వరకు మాఫీ చేయలేదు చేస్తామని చెప్పి 4 సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయి 5వ సంవత్సరం నడుస్తుంది. తక్షణమే 1 లక్ష రూపాయలు ఏకకాలంలో రుణాలు మాఫీ చేసి ఇప్పుడు ఈ పంట సీజన్లో కొత్త రుణాలు బ్యాంకు ఇచ్చే విధంగా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇప్పించాలని డిమాండ్లతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోబోతున్నాం. దీనికి రైతులందరినీ సహకరించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తాం.